हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निर्भय। और आज की हम इस वीडियो में बिगिनिंग लेवल पे स्ट्रेट फ्लूट आपको कौन सी लेनी है, कौन से साइज की लेनी है, कौन से स्केल की लेनी है और कितने रुपए में, कितने पैसे में जो है आपको स्ट्रेट फ्लूट, अच्छे से अच्छी स्ट्रेट फ्लूट मिल सकती है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। सो बिगिनिंग लेवल पे जैसे कि साइड फ्लूट में साइज का मैटर करता है, स्केल का मैटर करता है, क्वालिटी का मैटर करता है, उसी प्रकार स्ट्रेट फ्लूट पे भी साइज का मैटर करता है। फ्लूट कौन सी स्केल की होनी चाहिए वो सब, उसके बाद में जो फाइन क्वालिटी होती है वो कितने रेंज तक आपको मिल सकती है, ये सब भी स्ट्रेट फ्लूट पे मैटर करता है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको कौन सी फ्लूट नहीं लेनी है। फर्स्ट जो थिंग है, आपको पीवीसी पाइप की जो प्लास्टिक की फ्लूट होती है वो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, जो कि मैंने पहले दो मेरे लेसन्स में यूज की है, बट मैं सिर्फ वो लेसन्स बनाने के लिए यूज की थी, अदरवाइज मैं वो ज्यादा फ्लूट कभी यूज नहीं की है, क्योंकि वो प्लास्टिक से बनी हुई है और इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये वाली जो प्लास्टिक की पीवीसी पाइप की फ्लूट है, इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि हम जब फूक मारते हैं फ्लूट के अंदर, ठीक है, तो वो एक गर्म हवा होती है, वार्म एयर होती है, ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यू प्लास्टिक को हीट करेंगे वो वार्म एयर से, तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो गर्मी से एक प्रकार का गैस जो है प्लास्टिक छोड़ता है, तो वो गैस जो है हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आपको प्लास्टिक की फ्लूट्स अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, दूसरी चीज आपको जो फ्लूट लेनी है वो उड़न बांबू की फ्लूट होनी चाहिए। ये जैसे कि मेरी अभी नई ली हुई बांबू की फ्लूट है, जिसके ऊपर मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करता हूँ। इसको आप कितना भी देर यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपको हेल्थ को जो है कोई भी डैमेज नहीं देगा, हेल्थ के लिए आपको हेल्थ के लिए जो है कोई भी डेंजर चीज इसमें नहीं है। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट है, इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको एक अच्छी उड़न बांबू की फ्लूट लेनी है, उसके बाद में जो साइज होगा उसका वो लगभग 15 से 20 इंच तक होनी चाहिए। ठीक है, उससे अगर आप छोटी फ्लूट लेंगे तो होगा ये कि स्ट्रेट फ्लूट में होता ऐसे है कि जो भी हम फूक मारते हैं वो 100% फूक जो होती है हमारी फ्लूट के अंदर जाती है, और स्टार्टिंग में हम बहुत ही जोर से वगैरह फूक मारते हैं, हमारे फूक के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो छोटी फ्लूट होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा शार्प जो है नॉइस करेगी, शार्प साउंड करेगी, और उसमें आपको सुरों को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा बिगिनिंग लेवल पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि छोटी फ्लूट में आप स्टार्टिंग में फोर्स से फूक मारेंगे, तो अगर आप मिडल और लोअर जो ऑक्टिव होता है बजाने की कोशिश करेंगे तो स्टार्टिंग में मे बी वो सीधा हायर ऑक्टिव बज सकता है। तो आपको 10 इंच से लगभग ऐसी जो फ्लूट्स होती है वो छोटी मानी जाती है, तो वो नहीं लेनी है। ठीक है, जो आइडियल साइज में आपको बता रहा हूँ वो 15 से 20 तक आपको मिल जाएगी, वो फ्लूट आप ले लीजिएगा, क्योंकि वो मीडियम साइज की फ्लूट होगी और मीडियम साइज में आपको सुरों को कंट्रोल करना आ जाएगा। देखिए, स्ट्रेट फ्लूट जो है बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट फ्लूट में सुर को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है बिगिनिंग लेवल में। तो जो भी बोलते हैं स्ट्रेट फ्लूट बजाने में आसान है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आवाज निकालने में आसान होता होगा, लाइक साइड फ्लूट में थोड़ा सा टेक्निक वगैरह यूज करके ब्लो करके आवाज निकालना होता है, बट इसमें आवाज निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आप पहले ही फूक से ब्लू से निकाल सकते हो, बट सुरों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है स्ट्रेट फ्लूट में। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्लूट को आसान मत समझना। सो
साइज की बात हो गई, साइज 15 से 20 के बीच में लगभग जो भी आपको मिल जाए वो आप ले लो। स्केल जो है, स्केल आप कोई भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। आप जी स्केल, सी स्केल, सी शार्प स्केल, व्हाटएवर आपको जो भी स्केल चाहिए हो वो ले सकती है आप। मैंने सी स्केल की फ्लूट ले ली है, आप भी सी स्केल की ले सकते हो, जी स्केल की ले सकते हो। आपके पास जो भी अवेलेबल हो मीडियम साइज में, उस स्केल में आप फ्लूट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं रेंज की, कि किस रेंज में आपको अच्छी फ्लूट मिल सकती है। ये मैंने 450 रुपये की फ्लूट ली है एक म्यूजिक शॉप से, बहुत अच्छी क्वालिटी है। जैसे साइड फ्लूट के बांबू होते हैं ग्लॉसी, उसी टाइप का ये भी है, ग्लॉसी बांबू है। और जो इसकी बनावट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, शार्प है, फाइन है। तो 450 में मुझे एक अच्छी खासी फ्लूट मिल गई एक म्यूजिक शॉप से। तो आपको भी उसी रेंज में लगभग 500 से 450 से 500, 600, 700 ऐसे रुपए में एक अच्छी फ्लूट मिल जाएगी म्यूजिक शॉप में। ऑनलाइन मत लेना, ऑनलाइन फ्लूट्स वगैरह डैमेज जो होता है वो आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। आपको एक गलत प्रोडक्ट भी भेज सकते हैं, जो फ्लूट सुर में ना हो, वैसी भी फ्लूट्स आपको ऑनलाइन आ सकती है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी बाद में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शॉप में जाके ही फ्लूट ले लो एक अच्छी खासी, ठीक है। अब रेंज का तो बात हो गया, रेंज आपको जो है 100-200 इसमें आप लेंगे तो वो फिर हल्के क्वालिटी की आपको मिल जाएगी, फिर सुर भी वैसे ही बजेंगे, मटेरियल भी वैसा ही होगा बांबू का। तो आप डिसाइड करें कि आपको कौन से फ्लूट से स्टार्ट करना है, ठीक है। बट एक अच्छी फ्लूट जो है 400 से लेके आगे आपको अच्छी फ्लूट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मेरे सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप स्ट्रेट फ्लूट ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी स्ट्रेट फ्लूट लेने के लिए। बाकी हमारी अब सीरीज चल रही है स्ट्रेट प्लेट फ्लूट के ऊपर, तो आगे हम थोड़े बहुत फिंगर एक्सरसाइज, जो मेन अलंकार पलटे हैं जिसके वजह से आपके फिंगर्स स्ट्रेट फ्लूट पे इम्प्रूव हो सकते हैं, वैसे कुछ एक्सरसाइज में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।